दोस्तों हम जब भी BHU हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर हम क्या करें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद डॉक्टर से कैसे इलाज कराएं, डॉक्टर तक कैसे पहुंचे। जो नए नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम BHU में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तो ले लेते हैं पर वहाँ जाने के बाद उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ जाने पर, कैसे डॉक्टर से हमें मिलना है और उनसे अपना इलाज कराना है, दवाइयाँ कैसे लेनी है, इन सही बातों पर हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो BHU हॉस्पिटल हो, PGI हॉस्पिटल हो या फिर एम्स हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, हमें डॉक्टर से कैसे मिलना है, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट कैसे मिलेगा, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना है, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपॉइंटमेंट लेके आप कैसे डॉक्टर से मिल सकते हैं। सभी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप की टेक में। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड और इंडिया के एनालिटिक्स पर वीडियो हमेशा मिलती रहे और साथ ही घंटा को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो जाए उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों बात ऐसी है कि हम जब भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं, चाहे वो BHU हॉस्पिटल हो, PGI हॉस्पिटल हो या फिर एम्स हॉस्पिटल हो, गोरखपुर का हो या फिर किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमें एक रिसिप्ट मिलता है। एम्स में रिसिप्ट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर घंटा दबा लीजिएगा ताकि जैसे वो वीडियो आपको मिल जाए। तो आप BHU में जब जाते हैं तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद एक रिसिप्ट मिलती है, उसको निकलवा लेना होता है, ठीक है। आप उसे निकलवा लेंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहा कि सर अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो रिसिप्ट होता है वो डाउनलोड नहीं होता है, रिसिप्ट में डेट नहीं दिखाता है, टाइम नहीं दिखाता है। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैक्सिमम टाइम जो लास्ट मंथ का डे होता है, जैसे कि 30 या फिर 31 या फिर 1, तो इस डेट को अधिकतम स्लॉट्स बंद होते हैं और मैक्सिमम देखा गया है कि जो वीक का लास्ट डे होता है, जो सप्ताह के अंतिम दिन होते हैं, उस दिन भी स्लॉट बंद होता है, तो उस दिन आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और आप जब रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हैं तो रिसिप्ट को जाके आपका प्रिंटआउट निकलवा लेना होता है, क्योंकि प्रिंटआउट निकलवाने के बाद ही सारा काम होता है। प्रिंटआउट निकलवा लीजिए और आधार कार्ड साथ अपने लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो आप वहाँ पर जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, अब मरीज से तो नहीं पूछना है, डॉक्टर भी या फिर हॉस्पिटल का कोई भी आदमी, उससे आप पूछिए ये डॉक्टर से मुझे दिखाना है, इस डिपार्टमेंट में दिखाना है, ये डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, वो आपको बता देगा। आपको सिंपली उनके पास जाना है, वहाँ जाके उनसे अपना इलाज कराना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता है। आप जाएंगे BHU में, जब भी जाएंगे तो आप डॉक्टर के पास सीधे चले जाइए, डॉक्टर का पता नहीं मिल रहा पूछ लीजिए, गार्ड से पूछ लीजिए या फिर डॉक्टर से ही आप पूछ सकते हैं, तो डॉक्टर एक दूसरे को बता देते हैं। वहाँ जाने के बाद आप डॉक्टर को अपना पर्ची दीजिए, देखिए जो उस पर डेट और टाइम होता है जरूरी नहीं कि आपको उसी टाइम पे देखा जाए, आप उस डेट को जाइए, उस डेट को पहुँचना जरूरी होता है, उस टाइम तक पहुँच जाइए कि आपका इलाज जल्दी हो जाए, तो उस टाइम पे जाइए और डॉक्टर आपका पर्ची जमा कर लेगा जो आपके पास रिसिप्ट होगा, उसके बाद आपका नाम बुलाएगा, फिर आपको जाके डॉक्टर से दिखाना होता है। तो ये है BHU का। हम एम्स का देख लें तो एम्स में क्या होता है, जो आपका डेट और टाइम होता है उसी टाइम पे जाना होता है, उस टाइम पे जाएंगे, उससे लेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मरीज एक दो मरीज ऐसे होता है जिनका थोड़ा टाइम लग जाता है तो उनको क्या होता है कि थोड़ा सा वक्त लगता है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो जो आपका टाइम रहेगा उससे थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे होके डॉक्टर आपको देंगे। तो यही जानकारी थी, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है चाहे वो BHU हॉस्पिटल में हो, PGI हॉस्पिटल में हो या फिर एम्स हॉस्पिटल में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन आपको मैं तुरंत दूंगा और आप देख सकते हैं कि हर इंसान को मैंने सोल्यूशन तुरंत दिया है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, और हाँ अगर आपने अभी तक तुमको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा। थैंक यू।